भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मंगलवार को दावा किया कि राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव चाहते थे कि केंद्र सरकार उनके परिवार को भ्रष्टाचार के मामलों में बचाए और वह इसके बदले राज्य में पार्टी की सरकार बनाने के लिए समर्थन देने को तैयार थे। तो वहीं जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यादव ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को एक उड़ान के दौरान यह पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि राजग नेता का यह दावा है कि राय उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते थे क्योंकि भाजपा ने भ्रष्टाचार से समझौता करने से इनकार कर दिया था। तो वहीं लोकसभा सांसद जायसवाल ने यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि वे राय के बारे में ऐसे झूठे दावे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा भ्रष्टाचार पर समझौता करने से इनकार कर दिया था। वहीं भाजपा के नेता ने कहा उनके परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और उन्हें जेल जाना ही होगा। उन्होंने आगे कहा वे चाहते थे कि भाजपा उनके परिवार के सदस्यों के जेल जाने से बचाए। वे भाजपा के समर्थन से राज्य में उसकी सरकार बनवाने में मदद के लिए तैयार थे लेकिन हमारी पार्टी ने भ्रष्टाचार पर समझौता करने से इनकार कर दिया था। तो वहीं राजग की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर कटाक्ष करने के लिए राय द्वारा की गई आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए यादव ने कहा था मुझसे उनके बारे में बात मत करो, वह मंत्री पद से पाने से पहले मुझसे मिले थे और मेरी पार्टी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। बाकी आपको क्या लगता है इस तंज भरे बयान को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।